हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज अपन इस वीडियो में अपना नया चैप्टर लेंगे। फ्रैक्शन वाले चैप्टर अपने चल रहे थे, तो इस वाले चैप्टर के अंदर अपन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लेंगे। कि फ्रैक्शन के जैसे कि 1/2 है, ठीक है, तो 1/2 कह दो, 2/4 कह दो, फिर आपके 3/6 कह दो, इसका मतलब ये है। क्योंकि लास्ट के अंदर वापस अगर अपन इसको कट करते हैं, अगर अपनी इसकी स्मॉल साइज के अंदर लेके आते हैं, तो ये किसके इक्वल होगा? 1/2 के इक्वल होगा। तो इक्विवेलेंट ऑफ फ्रैक्शन इसके क्या रूल्स या प्रॉपर्टी होगी, क्या कॉन्सेप्ट होगी, किस हिसाब से अपन का इसको कंपेयर करना, वो सारी चीजें अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं, पेज नंबर आप 33 निकाल सकते हो। 33 पेज नंबर पे चैप्टर नंबर जो 7 दिया हुआ है, जैसे कि पहला एग्जांपल 7.1 पे दिया हुआ है, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन के। वी हैव लर्न टू रीड एंड राइट फ्रैक्शन बाय डिवाइडिंग देम इनटू इक्वल पार्ट्स सी द फॉलोइंग कंडीशन। जैसे कि फर्स्ट कंडीशन दी हुई है इक्वल डिवाइडिंग ए चपाती बिटवीन टू चिल्ड्रन, यानी कि एक चपाती है आपके पास, एक चपाती है, इसको दो बच्चों में बराबर डिवाइड करें। तो आप क्या बोलोगे? सर इसका आधा करो। तो ये वाला जो पार्ट होगा ये किसका हो गया? इसके ए का हो गया। कोई ये वाला जो पार्ट होगा ये किसका हो गया? बी का हो गया। टोटल पार्ट कितने हैं? क्या सर दो है, इसमें से ए का कितना है? एक। और टोटल पार्ट कितने हैं? दो है, इसमें से ये वाला एक किसका है? बी का। मतलब फ्रैक्शन आपके क्या हो गया? 1/2 और 1/8, ठीक है। ऐसे ही सेकंड जो दिया हुआ है कि इक्वली डिवाइडिंग टू चपाती अमंग द फोर चिल्ड्रन। अब देखो आप कि दो चपाती है आपके पास, ये दो चपाती है, इन दो चपातियों को कितने बच्चों में इक्वल डिवाइड करनी है? चार बच्चों में डिवाइड करनी है। तो आप क्या करोगे? चार बच्चों में इक्वल डिवाइड करनी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे सर? ये एक तो जैसे कि चार बच्चे हैं, इनको नाम दे देता हूं मैं, ए ये बी है, इसका नाम इसका, सी है इसका, कितने बच्चों में डिवाइड कर लिए? चार बच्चों में। तो इसके चार पार्ट कर लो, तो दो पार्ट तो इसके हो गए, दो पार्ट इसके हो गए, इसके तो चार इससे हो गए, चार चार पे कर दे दो। तो ये वाला हिस्सा किसका हो गया? इसका। ये वाला हिस्सा किसका हो गया? इसका। ये हिस्सा किसका? ये, ठीक है। तो सबको कितना कितना आधा आधा मिल गया, यानी कि यहाँ पे टोटल हिस्से कितने हैं भाई? दो। यहाँ पे भी टोटल हिस्से कितने हैं? दो। इसमें से एक हिस्सा ए को मिल गया, इसमें से एक हिस्सा बी को मिल गया। सेम ऐसे ही एक हिस्सा इसको मिल गया, एक हिस्सा इसको मिल गया, ठीक है। तो 1/2, 1/2, 1/2, ठीक है। तो चार बच्चों के अंदर दो चपाती ऊपर निकाल कर दिया, इक्वल रेशियो के अंदर डिवाइड कर। इसके बाद में ये बोल रहा है कि वी शो ईच कंडीशन चिल्ड्रन गेट इक्वल शेयर। तो अपन देख रहे हैं कि इन कंडीशन के अंदर जो चिल्ड्रन है उनको बराबर बराबर हिस्सा मिल रहा है। सिमिलरली ऐसे ही इफ वी डिवाइड 3 चपाती अमंग 6 चिल्ड्रन, अगर 3 चपाती को 6 बच्चे में अगर अपन डिवाइड करें, 3 चपाती को कितने बच्चों में? 6 बच्चों में डिवाइड करें, तो आप क्या करोगे? इट विल बी रिटन एज 3/6 कैन एंड कैन बी डिस्प्लेड एज इन द गिवन फिगर। जैसे कि आपकी 3 चपातियां हैं, मैं मिटा रहा हूं इसको, ये आपकी 3 चपातियां हैं, देखो 3 चपाती को 6 बच्चों में डिवाइड करना। ये हमारे पास 3 चपातियां, ये 3 चपाती, ठीक है। इसको मुझे कितने बच्चों में डिवाइड करना? 6 बच्चों में। मैं 6 हिस्से करूं तो 6 हिस्से, ये पहला बच्चा ए बी सी डी ई एफ, ये 6 बच्चे इनको नाम दे दिया मैंने, इसको ए इसको बी इसको सी। अब देखो भाई यहाँ पे टोटल हिस्से कितने हैं? दो। उसमें से एक हिस्सा किसका? इसका हो गया। इसका हिस्सा कितना आया? 1/2। सेम ये वाला हिस्सा 1/2, 1/2, सेम हो गया, सेम।
ठीक है, सबके पास बराबर बराबर हिस्सा, ठीक है। तो तीन चपातियां हैं, तीन चपातियों को अपन ने कितने दो दो पार्ट के अंदर इक्वल डिवाइड करके छह बच्चों के अंदर आराम से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देखो ब्रैकेट के अंदर इसके अंदर बोला देन ऑल्सो ईच चाइल्ड विल गेट ओनली हाफ चपाती। अपन को देख रहे हैं कि हर एक बच्चे को कितनी चपाती मिलती है, हाफ चपाती मिलती है, सही बात। तो वन अपॉन टू। अब अगर मैं इसको ये बोलूं कि टोटल हिस्से कितने होंगे, एक दो तीन चार पांच छह, टोटल हिस्से कितने होंगे, छह हिस्से होंगे, ठीक है। अगर मैं भाई सारे इनको अगर कर लू तो वन अपॉन टू किसके इक्वल होगा, थ्री अपॉन सिक्स, ठीक है। हर बच्चे को यानी कि वन अपॉन टू के दो चीज थ्री अपॉन सिक्स, ठीक है, वन अपॉन टू के दो चीज थ्री अपॉन सिक्स, ठीक है। तो ये ऊपर जो दिया हुआ है वन अपॉन टू है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, थ्री अपॉन सिक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो सेवन पॉइंट टू पे आ जाओ आप, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन की इक्वल करने की कॉन्सेप्ट क्या है, कि ऑल अबाउ सिचुएशन वन अपॉन टू, वन अपॉन टू जो है ना सेवन पॉइंट टू पे आ गया, जो वन अपॉन टू है इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, टू अपॉन फोर भी बोल सकता हूँ, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, थ्री अपॉन सिक्स भी बोल सकता हूँ। क्या बात है, सही है क्या, बिल्कुल सही है। कैसे, जैसे कि मैंने ये एक चपाती, ठीक है, इसके मैंने दो हिस्से दिए, सुनना पहले दो हिस्से दिए, इसमें से मैंने एक हिस्सा ये कलर कर दिया, ठीक है ना, ये कितना हुआ वन अपॉन, सेम ये ही चपाती है इसके मैंने चार हिस्से दिए, कितने हिस्से दिए चार, इस चार में से मैंने दो हिस्से, टोटल हिस्से चार है, तो एक दो तीन चार, टोटल हिस्से यहाँ पे कितने हैं चार, यहाँ पे टोटल हिस्से कितने थे दो, इसमें से एक हिस्सा मैंने एक को दे दिया, ठीक है, इसके पास कितना आया वन पॉइंट टू। अब सेम दे दो, इसमें चार हिस्से किए मैंने एक ही चपाती के, और ये दो हिस्से मैंने, ये दो हिस्से किसको दे दिए, एक को दे दिए, तो आप क्या बोलोगे चार में से कितने हिस्से दिए दो। तो अब आप बताओ ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर है या नहीं, आप बोलोगे सर ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर है, इसका मतलब वन अपॉन टू और टू अपॉन फोर इक्वल है, सही बात। वैसे ही यही चपाती है, इसके मैंने छह हिस्से कर दिए, कितने हिस्से कर दिए छह हिस्से, ये मैंने बराबर बराबर इसके छह हिस्से, तो टोटल हिस्से कितने हो गए छह, यहाँ पे चार हुए थे यहाँ पे दो, इसमें से मैंने एक दो तीन हिस्से, तीन हिस्से मैंने एक को दे दिए, कितने हिस्से दिए एक को तीन, कितने में से छह में से। तो अब आप बताओ कि ये जो हिस्सा है ये तीन हिस्से, ये हिस्सा और ये हिस्सा तीनों ही बराबर है, आप बोलोगे बिल्कुल सर बराबर है, तो इसका मतलब वन अपॉन टू, टू अपॉन फोर और थ्री अपॉन सिक्स क्या है बराबर, ठीक है। तो ये हो गया आपकी इक्विवेलेंट ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को इक्वल कर, ठीक है, सेम ही लिया हुआ, ठीक है। आगे बोल रहा है कि हाफ ऑफ चपाती और यू कैन से वन टू चपाती, यानी कि वन अपॉन टू चपाती, that means these fraction are same, ये fraction आपके same है, they can also be written as equivalent to each other, one upon two को equal कह सकते हैं, आप कह सकते हैं one upon two equal है two upon four के, और two upon four equal है इसके three upon six, ये तीनों ही क्या है बराबर ही है, मैंने two कर लिया भाई, यहाँ पे मैंने एक ही चपाती कितने हिस्से किए थे दो हिस्से किए थे, यहाँ पे मैंने एक ही चपाती कितने हिस्से किए चार हिस्से, यहाँ पे मैंने एक ही चपाती की कितने हिस्से किए छह हिस्से, ठीक है। तो अब कोई किसी को मैं बोलूंगी तुझे तो तीन बटे के छह हिस्सा मिलेगा तो खुश हो जाए, किसी को मैं बोलूंगी दो बटे के चार हिस्सा मिले, या किसी को मैं बोलूंगी एक बटा दो हिस्सा ही मिलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसको कम मिल रहा है इसको ज्यादा मिल रहा है, इसको ज्यादा मिल रहा है इसको कम मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल बराबर। यहाँ पे वन अपॉन टू हिस्सा भी इतना ही है, यहाँ पे टू अपॉन फोर हिस्सा भी इतना ही है, और यहाँ पर थ्री अपॉन सिक्स हिस्सा भी इतना ही है, यानी कि तीनों क्या है बराबर, ठीक है। अब जैसे कि आगे कुछ एक एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इसको और आगे अगर मान लो कि बढ़ाए अपन और कैसे बढ़ा सकते हैं, जैसे कि मैंने एक ही चपाती है, इस चपाती के आठ हिस्से लगाऊंगे, कितने हिस्से लगाऊं आठ हिस्से, ये चार हिस्से हो गए, ठीक है, और एक और नहीं छह
चार, एक दो तीन चार, तो ये डबल कर दिया आठ, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ से हो गए सिक्वेंस से लिख देता हूँ इधर में, ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ इससे हो गए टोटल, इससे कितने हो गए आठ, आठ में से ये चार हिस्से में किसी को दे दी, ये चार हिस्से मैंने किसी को दे दी, चार हिस्से दे दी, ठीक है, इतना दिए चार बटेगा, ठीक है, तो ये और ये भी बराबर, देखो आधा ही तो आ रहा है, एक चपाती का आधा ही तो है ये, ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ एक बटा दो, दो बटा चार, तीन बटा छह, चार बटा आठ क्या है बराबर, चार बटा आठ क्या है बराबर, ऐसा ही आप दस हिस्से कर लो किसी चपाती के, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक चपाती के दस हिस्से कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने दस हिस्से कर लिए, एक दो तीन चार और पांच, ठीक है, और इनको ये डबल कर दिया दस, दस हिस्से हो गए, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ और दस, अब मैंने पांच हिस्से दे दिए किसी को, इस चपाती के पांच टुकड़े मैंने दे दिए, ये पांच हिस्से दे दिए दस में से, तो ये भी आपके क्या है बराबर है किसके, एक बटे में, ठीक है, तो ये आपकी इक्विवेलेंट ऑफ फ्रैक्शन हो जाएगी, समझ गए होंगे, ये हिस्सा ये हिस्सा ये हिस्सा ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर है, ठीक है, एक ही चपाती के दो हिस्से, तुम ये मत सोचना कि सर ने ये वाली चपाती छोटी बनाई है थोड़ी बड़ी, ठीक है, ये आपके ड्रॉइंग टाइप कराएंगे भी बाकी और कोई इसमें नहीं है, मैं ये मान रहा हूँ कि चार पाँचों चपातियाँ क्या है हिस्से के अंदर साइज में बराबर है, ठीक है, अब देखना आगे सेम कुछ एक आपको कर ले, ठीक है, डू बाई योर साइड, इसके अंदर फर्स्ट दिया हुआ है डिवाइड टू चपाती, दो चपाती इक्वल टू बिटवीन छह चिल्ड्रन सिक्स चिल्ड्रन, ठीक है, दो चपातियां हैं ये आपको करना है, ये दो चपातियां हैं एक और इनको छह बच्चों में बांटना, एक दो तीन चार पांच और छह, ठीक है, तो छह बच्चों के अंदर अगर आप बांटोगे तो कितना कितना हिस्सा इनको दोगे, ठीक है, ये आपको करना भी नहीं करवा रहा, जैसे अभी अपन ने पहले सीखा था वैसे आपको करना, आगे ये बोला डिवाइड थ्री चपाती इक्वल अमंग नाइन चिल्ड्रन, ठीक है, यानी कि यहाँ पे तीन चपातियां आई, एक दो तीन, इसको नौ चिल्ड्रन के अंदर डिवाइड करना है, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ और, ठीक है, और हिंट दे देता हूँ भी कुल मिला के इन दोनों के कितने हिस्से होने चाहिए, छह हिस्से होने चाहिए, तो तीन हिस्से आप इसके कर लो, तीन हिस्से आप इसके कर लो, इसको मैं करवा देता हूँ, इसको तुम नहीं करना, ठीक है, इसके मैंने तीन हिस्से कर दिए, ठीक है, ये एक दो तीन, तीन हिस्से हो गए, एक सीधा चल लेते हैं इस तरह से चल लो अगले, ठीक है, इसके तीन हिस्से कर लिए, एक दो और तीन हिस्से, इसके भी तीन हिस्से, एक दो और तीन, एक दो तीन, तीन हिस्से इसके कर लिए, एक दो और तीन हिस्से इसके कर, ठीक है, तो आराम से आप डिवाइड कर सकते हैं, इक्वल मान लो कि ये दो हिस्से, ये दो हिस्से ये वाले मैंने किसको दे दिए, इसको ये और ये हिस्सा मैंने किसको दे दिया, इसको, ठीक है, इसको छः 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 बच्चा है, तो एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः, दो दो पैसा इनकी पाएगा, ये हिस्सा इसको दे दिया मैंने, इसको ये हिस्सा इसको ये हिस्सा इसको ये वाला हिस्सा इसको ये वाला इसको ये वाला इसको, छह बच्चों के अंदर डिवाइड कर दो आप आराम से, ठीक है, कर लोगे आप आराम से इसको, एक बच्चे की कितना आया एक हिस्सा, तो वन थर्ड इसके आ गया, वन थर्ड इसके आ गया, वन थर्ड इसके आ गया, तीन हिस्से दे टोटल, इससे कितने दे तीन, तीन में से एक हिस्सा इसके आ गया, इसके भी वन थर्ड आ गया, इसके भी वन थर्ड आ गया, इसके भी वन थर्ड, ठीक है, तीन में से एक एक हिस्सा सब गया, ठीक है, चपातियां दो है, वैसे ही आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है, अब आगे जैसे कि कुछ एक एक्टिविटीज दी हुई है, कुछ एक बॉक्स बना के दिए हुए हैं, ऐसे ही उनको करना है,
देखो ये आपकी एक डायग्राम दिया हुआ है, ये बॉक्स है, इसके इसमें कितने पार्ट दे रखे हैं, एक ही लाइन है जो एक ही लाइन है, तो चार पार्ट होंगे क्लियर, और एक लाइन खींच दो क्रॉस ठीक है, कितने हो गए, एक दो तीन चार पाँच छह और एक फिर इसको यू, तो कितने हो गए पार्ट, कितने पार्ट हो गए, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ हिस्से। अब इसने क्या किया, इसको कलर कर दिया, मान लो कि इसको मैंने कलर किया, इसको पूरे को कलर कर ठीक है, ये पूरा कलर है ठीक है, तो कलर हिस्सा कितना है, तो आप बोलोगे सर टोटल हिस्से तो आठ है, आठ में से एक दो तीन चार हिस्से कलर है, चार बजे आठ। अब वही चीज मैं आपको ये बोलूं कि ये मोक्ष है, इसके दो हिस्से, ये दो हिस्से रखे जो बराबर है ये बोलो, इसको मैंने कलर कर ठीक है, तो टोटल हिस्से कितने हुए दो, इसमें से कलर हिस्सा कितना है एक, ये एक में चार बटे आठ और एक बटे दो आपके क्या है बराबर है ठीक है। सेम ऐसे ही एक एग्जांपल बोल दिया हुआ है जिसके अंदर एक बॉक्स है, इसके तीन हिस्से रखते हैं, ये इस तरह से बॉक्स है ठीक है, इसके कितने हिस्से रखते हैं एक दो और तीन ठीक है, और ये सेम कैसा ही बॉक्स है, सेम बराबर साइज का है, इसके कितने हिस्से कर रखे हैं इसमें छह, एक दो तीन बराबर, उसको बीच में से डिवाइड करते हैं। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा इसको मैंने कलर कर, और ये हिस्सा क्या ये दोनों हिस्से बराबर रहेगा, आप दोनों के साथ बिल्कुल बराबर, लेकिन इसको मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पे कितने हिस्से हैं एक दो तीन, तो तीन में से एक हिस्सा, और यहाँ पे एक दो तीन चार पांच छह, छह में से कितने हिस्से हैं यहाँ पे दो, दो बटे मतलब एक बटा तीन और दो बटे सभी आपके क्या है बराबर ठीक है, समझ गए होंगे भैया। ऐसे ही सेम पॉइंट टू आगे और एक्सरसाइज ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ फ्रैक्शन, जैसे कि रीमा, रीमाज मदर मेड टू केक, रीमा की मम्मी ने दो केक बनाए ठीक है, बता दो इसको ये वाले वीडियो में तो ये हो नहीं पाएगा, नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर ये 7.2 से जो एक्सरसाइज दी हुई है ना ठीक है, ये वाले अपन नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर ले लेंगे ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे वाला बताता हूँ मैं तुम्हें।